अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बना रहे हैं मटन कीमा। सो उसके लिए हमने लिया तकरीबन 1.5 पाव कीमा था हमारे पास, अच्छे से धो लिया है। और साथ में जाएगा ये 2 प्याज थे तकरीबन मीडियम साइज के, तकरीबन 2 ही टमाटो मीडियम साइज के थे हमारे पास, और तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच अदरक गार्लिक पेस्ट है, और तकरीबन 1 दरमियानी साइज की हरी मिर्च वो गई साथ में इसके। ये तकरीबन 1.5 पाउंड के यानी कीमा था, तकरीबन 650 ग्राम के लगभग। सो उसके लिए स्पाइसेस लिए हमने 1 चम्मच है सुरह मिर्च, हल्दी, जीरा, कुटावा धनिया 1-1 चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक है 1.25 चम्मच, और काली मिर्च आधी, और साबर जीरा भी 1/2 चम्मच। ये सब साथ में गए। अब इसमें डालेंगे, ये 2 कप का पानी है, सो इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, तकरीबन 3 कप के करीब पानी डालेंगे। ये गया पानी, और आग जला देंगे नीचे। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, और बस इसको दम दे देंगे, कवर कर देंगे इसको पकने के लिए अच्छे से। ये जो टमाटर मिर्च वगैरह जो है सारा कुछ प्याज ये भी गल जाएगा, अपनी कीमा ही बन जाएगा। देखेंगे जरूरत पड़ी थोड़ा पानी और डालेंगे, लेकिन जितना मेरा ख्याल है कि पानी काफ़ी है, क्योंकि कीमा जो है वो हमने अच्छे से धो लिया था, थोड़ा पानी वार्म था उसमें, थोड़ा वो जो हो जाता जल्दी थोड़ा। सो कवर दिस अप, सो आपको दिखाते हैं जब उसके बाद इसमें घी डालेंगे जो भी है वो करना। सो मेरा पानी कम था, सो हमने 2 कप पानी और ऐड किया, सो टोटल 5 कप पानी गया। सो हम इस आग तेज है, इसको बॉयल आने तक तेज रखेंगे, उसके बाद मीडियम पे पकाएंगे, थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा जो है ना वो पकने के लिए, गलने के लिए अच्छे से। सो आज उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू वॉचिंग। जी देखें, कीमा ज़बरदस्त हो गया है, पानी तकरीबन सूख चुका है, सो ड्राई सिम। सो अभी इसमें डालेंगे देसी घी, 1 कप देसी घी डालेंगे इसमें। गरम करके जाया नहीं करना, देसी घी जाया नहीं करने वाली चीज होती है ना, वेस्टिंग है राइट। सो इसको अच्छे से साफ कर लिया, देसी घी निकाल लिया इसमें से। अब इसको अच्छे से भून लेना है बस, और जो कीमा वो तैयार हो जाएगा। सो आफ्टर दैट आई एम श्योर यू, देखते हैं बाद में दिखाता हूँ जब तकरीबन तैयार हो जाएगा भून लेने से। इसका ठीक कप कुछ 5-6 मिनट लगेंगे सो भूनने में, सो दिखाते हैं आपको बाद में। देखें माशाल्लाह तकरीबन तैयार हो गया है, थोड़ा सा और भूनेंगे। अभी देख लें, अब पानी ख़त्म होने के तकरीबन ख़त्म हो गया, पानी नहीं है इसमें भी, जब बस 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सो बस कीमा तैयार हो जाएगा उसके बाद, तो दिखाते हैं आपको बाद में। सो देखते हैं बिस्मिल्लाह जी। देखें जी, तकरीबन अच्छे से भून लिया हमने, तकरीबन 5-6 मिनट पानी सुखाने के बाद अभी ये कीमा तैयार है। सो अभी इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, टीस्पून जो है ना, और वाह बहुत प्यारी है, लाइक 1-2 मिनट के लिए ना इसको थोड़ा मिक्स करके। तो आग बंद कर देंगे और हमारा जो मटन कीमा जो है वो तैयार है। अभी इसको डिश आउट करते हैं और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा बना। सो ये थे, आग बंद कर दी हमने, सो ज़बरदस्त होता है, देखना देखना फिर।
और इसमें डालेंगे सब्ज धनिया, थोड़ा सा अदरक, और साथ में सब्ज मिर्च। सो टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा बना। सो लेट्स टेस्ट। सो चलिए जी टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मटन कीमा देसी घी में बना हुआ और साथ में ताजा फुलका। ओए होए है, लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाह। अदरक मिर्च साथ में लेना थोड़ा। बहुत ही जबरदस्त है। नमक मिर्च परफेक्ट। ट्राई विद लेमन। लेट्स सी हाउ द डिफ। बहुत जबरदस्त। ट्राई दिस वन, आई एम श्योर यू लाइक इट। यू डू प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।